राहुल कुमार लोढ़ा ने पुलिस कर्मियों की परीक्षा लेने के लिए आरक्षक को बनाया अपराधी। परीक्षा में बहुत ही कम पुलिस कर्मी पास हो पाए, इस बात की जानकारी विभाग में किसी को भी नहीं थी। पुलिस अधीक्षक इस तरह से परीक्षा लेंगे ऐसा कि राजाओं के समय में होता था, जब राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर अपनी प्रजा के बीच पहुंचते थे। ऐसा ही कुछ किया पुलिस अधीक्षक ने। पुलिस के आरक्षकों को वेश बदलकर शहर में तफरी करने के लिए निकाल दिया। जब उन्होंने वारदात को अंजाम दिया तो उन्हें पकड़ने में कुछ पुलिस कर्मी तो कामयाब हो गए, लेकिन कईयों के होश उड़ गए और वह अग्नि परीक्षा में पास नहीं हो पाए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा उन सभी को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। इसी के चलते एक बात तो साफ हो गई है कि पुलिस कर्मी कितने अपने कार्यों के प्रति सक्रिय हैं। कई बार पुलिस के ऊपर आक्षेप लगते आए कि वह अपना काम सही से नहीं कर पाती, इसके चलते शहर में वारदातें बढ़ रही हैं। हालांकि यह परीक्षा लेने का फैसला पुलिस अधीक्षक ने बहुत ही सोच समझ के लिया था, जिससे उनके आगे ही पुलिस विभाग की कलाई खुल गई। अब देखने लायक होगा कि कभी कोई वारदात होती है तो उस समय जो पुलिसकर्मी इस परीक्षा में उतरी नहीं हो पाए वह किस तरह से काम करेंगे। वहीं सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या यह काम करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि जहां चाह वहां रहा। पुलिस महकमे भी ऐसे कई कर्मचारी मौजूद हैं जो दिन रात एक करके अपराधियों की धरपकड़ पकड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका श्रेय उनको ना मिलते हुए दूसरे पुलिस कर्मियों को मिल जाता है, इसके चलते उन्होंने भी अपना काम करना छोड़ दिया है। अब देखते हैं पुलिस अधीक्षक की ये मुहिम कहाँ तक रंग लाती है। टाइम होता है जब ज्यादा न्यूसेंस रहता है, क्योंकि काम धंधे से लोग वापस आ गए और उस टाइम पे जो है वो घटनाएं ज्यादा होती है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो छीना झपटी हो, चाहे वो कोई भी हो। स्कूल कॉलेजेस वो सॉरी तुम्हारे जो कोचिंग क्लासेस है वो शाम के 6 बजे के आसपास में छूटते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को अक्यूमुलेट करके हम लोगों ने ऐसे चेकिंग पॉइंट्स बनाए हैं कि एक कि हम सारे नाकाबंदी के हिसाब से उसको कवर कर सके, दूसरा स्कूल कॉलेजेस और रशीद कॉलोनी के पास हो या चाहे वो और भी 2-3 जगह वहाँ पर हम लोगों का अगर प्रेजेंस बना रहेगा और एक साथ हमारे 2 चार्जी जिसमें कि 4 जवान और 1 बीट प्रभारी अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं एक डिटरेंस होता है। तो वो चीज़ कवरने के लिए तो कल ये सोचा गया कि अगर हम लोग ये काम भी करवा रहे हैं तो वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। कोई भी काम अगर आप मोनोटोनस करोगे तो उसमें एक ढीला बनाना शुरू हो जाता है। जब हमने पॉइंट दिया और उसके बाद में सबके रिफ्लेक्सेस चेक किए तो किसी के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे, किसी के बहुत ज़्यादा थे। जिनके रिफ्लेक्सेस तेज थे उन्होंने पकड़ लिया, उनको इनाम मिल गया। तो एक होता है कि कल वो हर जगह पे एक वो चर्चा थी पुलिस में कि अरे वो मैंने ऐसा पकड़ा, मैं ऐसा खो लिया उसके ऊपर, मैंने वो कर लिया। जिसका जो नहीं पकड़ पाया वो सोच रहा था कि मैं वो कर लेता तो वो ज्यादा अच्छा होता। तो वो सारी चीजें जो है और जिस जो कट मार के निकल गया उसने बोला कि यार अगली बार भी यही करूंगा। तो एक जो एक स्पर्धात्मक है और एक मजेदार पुलिसिंग भी है वो बेसिकली। देखो क्या है कि कोई भी चीज एक सिंपल सी चीज है, एक चीज आप कर रहे हो इसके लिए कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, एक चीज आप एंजॉय करके कर रहे हो, चाहे वो आपको 8 घंटे, अगर मेरा आरक्षक 8 घंटे वहां पे खड़ा है और उसके बाद अगर उस चीज को वो एंजॉय करके कर रहा है तो वो डेफिनेटली ज्यादा आउटपुट लेके आएगा मेरे लिए। तो उसके लिए आवश्यक है कि मैं भी बाहर निकलूं, मैं भी उसके साथ में देखूं, उसको अलग अलग जगह से मैं टेस्ट करूं। उसमें दिमाग रहना चाहिए कि सिर्फ मेरे अधिकारी नहीं, वो सब लोग जो है वो कभी ना कभी मुझे चेक करते रहेंगे। उसके बाद भी कुछ घटनाएं होती है, कुछ होता है, डजंट मैटर, मगर उसका जो है वो मोरल हाई होना चाहिए और वो मैक्सिमम टाइम। बहुत सारी चीजें एक्चुअली पुलिस में ऐसी होती है कि सजग होने की वजह से वो चीजें होती नहीं है मगर वो कहीं पर रिपोर्ट नहीं हो पाती। अगर कोई बदमाश आता है और पुलिस प्रेजेंस देख के वो निकल जाता है, ये कहीं पर रिपोर्ट तो नहीं हो पाएगा, मगर घटना होगी तो रिपोर्ट होगा। तो मेरा आशय बस इतना है कि हमारी अगर प्रिवेंटिव पुलिसिंग हो और उससे अगर मेरा क्राइम कंट्रोल होता है तो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है।